आर्टिस्ट अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने के लिए आर्ट की हेल्प लेते हैं। उनकी इमेजिनेशन बहुत ही जबरदस्त होती है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिव माइंड वाले इंसान होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आपका माइंडसेट भी कुछ ऐसा ही है? क्या आप भी आर्ट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल आर्ट में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपको आर्ट में करियर बनाना है तो आपको बेसिक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि आर्ट कितने टाइप्स की होती है और इसमें कैसे कैसे हम करियर बना सकते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा डिटेल बताने वाला हूं। तो आज मैं आपको आर्टिस्ट के दो कैटेगरीज के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला है फाइन आर्टिस्ट और दूसरा है कमर्शियल आर्टिस्ट। फाइन आर्ट्स में क्या क्या आता है? फाइन आर्ट्स में आता है पेंटिंग, स्कल्पचर एंड इलस्ट्रेशन। वहीं पे कमर्शियल आर्ट में आएगा ग्राफिक डिजाइन, एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग एंड लोगो। तो फाइन आर्ट्स में आर्टिस्ट अलग अलग टेक्निक से न्यू मेथड को डेवलप करते हैं, जैसे कि ये टेक्निक हो गए हैं ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, वीविंग, ग्लास पेंटिंग। तो इसके हेल्प से वो अलग अलग मेथड को डेवलप करते हैं। तो वहीं पे कमर्शियल आर्ट में हम क्लाइंट से डिस्कस करते हैं, मीटिंग फिक्स करते हैं, उनको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, किस डिजाइन में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्रोडक्ट बनाकर देते हैं। तो ये बेसिक एक डिफरेंस है फाइन आर्टिस्ट में और एक कमर्शियल आर्टिस्ट में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक का बटन जरूर दबाना और अपने फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।